हेलो फ्रेंड, नेचुरोपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है गर्दन के दर्द का इलाज कैसे करेंगे आप एक्यूप्रेशर पॉइंट चिकित्सा पद्धति से। इसमें दर्द क्यों स्टार्ट हो जाते हैं वो भी बिना किसी मेडिसिन के द्वारा, आप घर पर बैठे ही सेल्फ ट्रीटमेंट से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रीज़न होता है कि जो नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो रॉन्ग पोस्चर की वजह से और लगातार एक ही पोजीशन में डेस्क वर्क करना और एक्सरसाइज करते टाइम पे क्या होता है कि गर्दन में बहुत तेज से झटके लग जाते हैं, जिस वजह से दर्द स्टार्ट हो जाता है। और एक ही पोजीशन में सोए हुए, गलत तरीके से अगर सोए हैं तब पर भी हमारे नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब रीज़न है जिस वजह से जो गर्दन है उसमें तेज दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसका इलाज कैसे करेंगे आप एक्यूप्रेशर पॉइंट चिकित्सा पद्धति से। तो आइए हम जान लेते हैं कहाँ पे है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसमें हम सीट थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी अप्लाई करेंगे। तो अपने हाथों में आएंगे, पिंकी फिंगर में और मिडल फिंगर में, यहाँ पे वो एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ पे है मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ कि एग्जैक्ट उसकी लोकेशन कहाँ पर है दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट की, जिस पे आपको सीट थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं ये मिडल फिंगर में नेल के बेस में टू वर्ड्स पिंकी फिंगर, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और पिंकी फिंगर में नेल के बेस में आउटर साइड में ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे करना क्या है आपको कि पहले सीट थेरेपी या मैग्नेट थेरेपी अप्लाई करने से पहले इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको प्रेशर देना है, इसको एक्टिव करना है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप किसी कोई चीज़ से या तो फिर अपने थंब से ही या फिंगर से ही 4 से 5 सेकेंड के लिए इसको एक्टिव कर दीजिए प्रेशर दे करके। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको स्ट्रांग ट्रीटमेंट के लिए स्टार मैग्नेट चाहिए, जो कि एक साइड से आप देख सकते हैं ऐसे छोटा छोटा होता है, ऐसा दिखता है नुकीला उभरा हुआ, और दूसरे साइड से ब्लैक दिखता है। तो इसको करेंगे क्या कि पेपर टेप पे लगा लेंगे हम दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि एग्जिट कैसे लगाना है। तो आप एक स्टार मैग्नेट एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे और दूसरा स्टार मैग्नेट दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है एग्जिट, ये जो स्किन को टच होगा ये नुकीला वाला भाग होगा, तो इस पर ही टच कराना है। ये थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, चुभेगा आपको, लेकिन ये एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिव करने के लिए आपको ये स्टार मैग्नेट लगाना है ताकि पॉइंट एक्टिव हो जाए। दोनों पे ऐसे ही लगाना है, मैं देख सकते हैं आप मैं जैसे लगा रही हूँ स्टार मैग्नेट ऐसे। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप सीट थेरेपी भी अप्लाई कर सकते हैं इसी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। सीट थेरेपी के लिए क्या चाहिए, पेपर टेप चाहिए और फेनुग्रिक सीड यानी कि मेथी का दाना चाहिए। आपको पेपर टेप पे ऐसे मेथी के दाने को लगा लेना है, इसके बाद ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है इस पे लगा लेना है, दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे लगाना है आपको। और ये जो दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट बायलेटरल होगा, दोनों हाथों में होगा। आपको अगर सीट थेरेपी अप्लाई करना है तो आप दोनों हाथों में अप्लाई करिए, मैग्नेट थेरेपी अप्लाई करना है तो दोनों हाथों में अप्लाई करिए, बायलेटरल एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अगर आपने सीट थेरेपी अप्लाई किया है तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे करना क्या है आपको कि हर 25 मिनट 20 मिनट बाद इस पे प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रेशर देंगे तभी पॉइंट एक्टिव हो पाएगा, तो जो आपके गर्दन दर्द की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर आपने मैग्नेट अप्लाई किया है तो उस पे कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट का एक रेज होता है जो कि अपने आप उस प्रॉब्लम को ठीक करता है। आपको दोनों ट्रीटमेंट 6 से 8 घंटे के लिए करना है, पर डे करना है, जब तक कि आपके जो नेक में दर्द है वो सही ना हो जाए। तो आप अगर मैग्नेट यूज करते हैं तो ये रीयूजेबल होता है, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका यूज किया हुआ मैग्नेट किसी और को आप नहीं दे सकते, सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं। अगर आपने सीट थेरेपी अप्लाई किया है तो सीट थेरेपी आप वन टाइम यूज करें, उसके बाद नेक्स्ट डे आप दूसरी सीट ले लें। आप पर डे इस ट्रीटमेंट को करेंगे तो आपके गर्दन दर्द का जो इलाज है आप कर सकते हैं घर पर बैठे ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो कमेंट में जरूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।